हाँ बोलिए, बताइए, आवाज़ आ रही है आपको? बोलिए हाँ हाँ घर आवाज आ रही है। बताइए। अगर जो उसने कल कॉल आया था उसके अलावा तो आज तो कोई कॉल नहीं आया था मेरे पास। आज किसी के पास, मतलब कि आपके कुछ पास या किसी के पास कॉल आया? नहीं ना। ना ना घर में भी किसी के पास नहीं आया सर। आज कल भी नहीं आया सबके पास, परसों आया था एक नंबर। उसके अच्छा, परसों। अलावा तो हाँ आपको मैसेज किए थे ना आपने सर। और ये जो जो 10,400 का आ रहा है ना, ये क्रेडिट के लिए मैंने लोन लिया है सर, अच्छा वो अच्छा बाद में दिखा रहा है सर। अच्छा मतलब कि आपका क्रेडिट भी से लोन है, वही दिखा रहा है ना 10,000 वाला? अच्छा हाँ 10,000 वाला जो है ना वो सर जो क्रेडिट की वाला है मेरा लोन वो अच्छा दिखा रहा है। उसका एक एक मैंने पे कर दिया है, हाँ हाँ अभी हाँ एक महीना एक कटेगा उसका कोई दिक्कत नहीं सर। जैसे उसमें ना मैंने अकाउंटर में भी अपडेट करके देखा तो उसमें भी दिखा रहा है कि जैसे शो कर रहा है कि कितना आपको लोन अकाउंट है जो क्रेडिट स्कोर देखते हैं उसमें। फिर मैंने जैसे गूगल में जाके तो मैंने सिविल स्कोर देखा था उसके नीचे भी वैसे दिखा रहा था। फिर उसका जो अकाउंट नंबर होता है ना सर वो मैंने मैच किया तो दो पार्ट में जिससे अभी तो इसका 500 रुपया 560 रुपये दिखना है सर। और इसका मतलब टोटल 2,798 रुपये दिख जाता है। तो मैंने वो सब मिलाया तो बराबर 13,000 हो रहा है क्योंकि 2,600 और 10,400 तो कम्प्लीट हो गया सर 13,000 रुपया। फिर मैंने देखा तो मैंने सोचा वही लोन होगा तो पूरा पे हो जाएगा तो बाद में हट जाएगा शायद जब अपडेट होगा क्रेडिट स्कोर तो। वही है कि पूरी तरीके से पेमेंट हो जाएगा ना, तो सिविल से मतलब कि हटा देता सब। अभी 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 आपका ड्यूज बकाया है ना? ना ना ड्यू तो है सर लेकिन वो तो मैं पे कर रहा हूँ टाइम से, उसका कोई दिक्कत नहीं सर हाँ, तो मुझे। पूरा लेकिन देखिए, जब उसका पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, तभी आपके सिविल से हटेगा वो। ना ना वो तो हमने समझ लिया सर। हाँ लेकिन जो अदर स्कूल आ रहे थे ना सर वो भी परेशान थे क्योंकि पैसा आया था मेरे अकाउंट में उसके बाद मेरा कुछ मिस्टेक है मैंने कहीं किसी ने सर्च किया है तो कहीं शायद में वो हो गया है। लेकिन उसके लिए दिक्कत तो नहीं होगा ना सर अभी तो ना ना, कोई दिक्कत मतलब नहीं होगा, पैसा तो आ गया। ना ना कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, बाकी फ्रॉड एप्लीकेशन से जा था आपका, वो डाटा आपका रिमूव हो गया है, ठीक है? इसीलिए आपका मतलब कि आप कॉल मैसेज नहीं, नहीं तो पहले बहुत ज़्यादा कॉल आता था ना आप पर। हाँ सर कॉल मतलब क्या बताऊँ सर दिन में मतलब 10-15 कॉल आते थे। और अगर जो नया नया नंबर स्वास्थ्य के साथ आपको मेरे मैसेज ही गया सर जो व्हाट्सएप वाला हेलो करके मैसेज किया था आपने और बिल्कुल उसका बिल्कुल एक मेरा बिल्कुल नंबर था जो बाकी मेरा आधार कार्ड का जो फोटो मैंने अपलोड किया था उसका एक सेल्फी था वो भी मैंने आपको सेंड किया था। तो वो जो मेरा कॉन्टेक्ट लिस्ट में जो नंबर था वो भी मैंने आपको भेजा था सर। तो बस वही है बात और कोई नहीं है सर। बाकी जो पैसा है वो तो मैं टाइम पे पेमेंट कर रहा हूँ उसका। तो एक जो ओली वाला नहीं सर स्मार्टफोन यानी 24,000 रुपये का लोन है उसका भी अगर पैसा आएगा तो उसको पे कर दूंगा वो तो मेरे को दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो तो एनबीएफसी एप्लीकेशन है। बाकी जो आपका अभी दो है बोले ना, स्मार्ट क्वाइन है के क्रेडिट भी होगा, ये तो दो एनबीएफसी एप्लीकेशन है। उसमें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लगा लेकिन जो बात है कि मेरा पैसा आ गया ना सर उसमें मैंने शायद मैंने कुछ छेड़ा है नहीं। अब पीछे करे थे मुझे शायद याद नहीं आ रहा है अभी लेकिन मैंने काफी एप्लीकेशन पे ट्राई तो किया था सर। लेकिन ये लोन भी उसका मेरे को कभी फोन नहीं। जैसे मैंने मोबीक्विक एप्लीकेशन है सर उसमें मैंने 1 लाख रुपया लोन लिया है उसका 8,376 रुपये ठीक थे। वो तो उसका फोन आया था सर वो तो मैं उठा रहे वो इसी नंबर से कॉल आता है वो पता है सर। तो वो यही बोलते हैं कि आपका अकाउंट में सफिशियंट बैलेंस रखते हैं तो उसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं है सर। बाकी तो मतलब जितना मेरा लोन है आज तक सर कभी कॉल नहीं आया। मैंने काफी लोन्स तो दिया सर मैंने टाइम से सब पे किया है सर कोई लोन ऐसे नहीं है जो नहीं पे किया। तो यही था कि उसके लिए मैं थोड़ा कंफ्यूज होगा ना इसको कॉल्स भी आ रहा है तो मैं मतलब 10,400 और 2,600 क्या दिखा रहा हूँ वही परेशानी करे वो प्रॉब्लम सोल्व हो गया सर। मैं भी पता चल गया कि वो क्या है आज तो कॉल वो मैसेज कुछ आया नहीं सर। और आप भी सर काफी बिजी रहते होंगे लेकिन मैं आपको कॉल कर रहा था मैसेज कर रहा था आपने रिप्लाई जरूर दिया सर। और मैं भी सर कहीं ड्यूटी में रहता हूँ मैं हूँ सर गुजरात में और मैं अभी हूँ और एक आदमी जैसी जगह ड्यूटी भी है और परेशानी भी ज़्यादा अच्छा, क्या करते हैं आप? ये नहीं आया नहीं सर फोर्स में हूँ अच्छा, फोर्स बैंकिंग में की है। जॉब करता डिजिटल जॉब करता हूँ सर। तो वो उसने मेरे को ये धमकी दे रहे थे बोला आप आर्मी में हो मेरे काफी सारे दोस्त हैं ना सर वो आर्मी में है। तो मैंने उसका नंबर वैसे चेक करके रखा है जैसे सचिन आर्मी करके रंजीत आर्मी है मतलब मेरे दोस्त है तो मैंने उसके नाम से चेक करके रखा है। तो मेरे को यही फोन करके बोलते थे
बोला ऐसे नंबर है, हम ये कौन है तुम्हारी, ये क्या लगता है, हम तुमको नंगा कर देंगे, ये कर देंगे। तो मुझे पता था कि मैं अगर कुछ शेड्यूल में नहीं, तो ये लोग हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब एक बात है सर, ऐसे कोई बोला था एक आदमी परेशान हो जाता है, तो मैंने इसके बारे में फिर जाना कि मेरा कुछ ना कुछ सोल्यूशन होगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज है आपके भी है और बहुत सारे वीडियोज देखे मैंने, नहीं आपका हो गया है काम, ठीक है। आपका जो कॉन्टेक्टली वो लोग है किया था ना फ्रॉड वाला, वो चीज़ सारा चीज़ उनके सर्वर से रिमूव हो गया। अब कोई भी दिक्कत कोई भी तकलीफ आपको नहीं आएगी, कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कोई भी कॉल मैसेज अब नहीं जाएगा, उनके पास कोई भी कॉन्टेक्ट लिस्ट नहीं है, आपका कोई भी डाटा नहीं है। सही बात है, सही बात है, सही बात है। बिल्कुल सही बात है। अब जो जेन्युइन एप्लीकेशन है, जो एनबीएफसी एप्लीकेशन है, उसका टाइम पे टाइम आप पेमेंट कीजिएगा, तो वो तो कोई भी दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। वही है कि नहीं रिपेमेंट करने पर कॉल मैसेज करना, सिविल स्कोर डाउन करना, ये सब सारा चीज़ मुश्किलें मतलब कि पैदा होती है। आपका मतलब जैसे मेरे वीडियो साथ में देखा, उसमें यही है कि कोई पे नहीं कर पाएगा, ऐसे ज़्यादा केसेस में आपके पास पे कर पाता है, फिर हर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मेरा मेरा वीडियो बनाना, देखिए कोई भी वीडियो आप देखिएगा, तो जो लोग नहीं रिपेमेंट कर पाते हैं लोन, उसे रिलेटेड मेरा वीडियो रहता है भाई। वो तो फ्रॉड एप्लीकेशन था आपका, आपका फ्रॉड एप्लीकेशन था, वो तो डाटा वाटा हैक किया था, उनमें से निकालना काम था। काफी अच्छा भी लगा कि अगर कोई फंस जाएगा, किसी का अगर कोई बात हो जाएगा, तो मैं बात उसको जरूर शेयर करूंगा कि ऐसे बात है, ऐसे हो सकता है, तो आप थोड़ा बच के रहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। पोस्ट मेंबर है आजकल, वही लोन के लिए सर ज्यादा कर लो, कोई ना कोई लोन लेके रखा है, किसी जमीन खरीद रखा है, किसी खरीद के रखा है, तो ज्यादा तो आदमी लोन नहीं, लेकिन ज्यादा तो कैश पर लोन से पुलिस में लेंगे,
मैंने ये बोला आपको जो उखाड़ना है उखाड़ लेना, इसको मैंने उनको फोन काट दिया। बिल्कुल बिल्कुल। फोन काटने के बाद उसने मेरे सिस्टर को फोन किया, मेरे पिताजी को फोन किया, मेरे सिस्टर को कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन मेरे भाई को फोन किया, मेरे भाई ने गाली दे दिया। उसने जैसे गाली बोला था, मेरा भाई ने उसको उल्टा उल्टा गाली दे के फोन काट दिया। मतलब मेरे पिताजी ने भी उसको गाली दे के फोन काट दिया। मेरी माँ है तो माँ का फोन भी भाई ने उठाया, तो इसने भी गाली दे के फोन काट दिया। वो परेशान हो गया, इसलिए मेरे को बार बार कॉल कर रहा। मैंने उसका सब फोन इग्नोर भी किया, बाद में मैंने कोई फोन रिसीव नहीं किया। बाद में आपने इसे फोन किया, उसके पास था कोई बस सिस्टम के पास कॉल आया, बोला सिस्टर ने, क्योंकि शायद वही होगा, सिस्टम ने उठाया तो नहीं था, लेकिन सिस्टर बोली कि ऐसे करके आया था उड़ीसा मोबाइल टेलीफोन कंपनी, ऐसे लिख के किसी मेरे पास कॉल आ रहे थे, वो उड़ीसा मोबाइल टेलीफोन दिल्ली ऐसे करके +92 और +44 +11 करके किसी से मेरे पास कॉल आ रहे। मैंने उसको ये बोला था, आप व्हाट्सएप में जो आपने मैसेज किया सर, ये तो पाकिस्तान का नंबर है। मैंने उसको ये बोला, तो आप फालतू बात मत करो, आपने जो बोला है उसमें आप काम कीजिए, नहीं तो हम आपका डाटा वायरल कर। सर आप जो करना है कर लीजिए, लेकिन वो सर सब प्रॉब्लम सोल्व हो गए सर, में आप मुझे कोई डर नहीं है। जो उसका तो सर 13,000 रुपया लोन है मेरा, ये क्रेडिट भी का सर, उसमें तो 10,000 कुछ बचा है सर, वो तो मैं पैसा इस बार पे आएगा तो सोच रहा हूँ उसको क्लोज ही कर दूँ। जो होली वाला है जो भी हजार है वो भी 20,000 बोल सकता है, जो पेमेंट आएगा तो मेरा यही सोच रहा हूँ कि जैसे 30,000 रुपया दो लोन क्लोज ही कर देता हूँ। मतलब मेरे पास रहेगा गूगल पे के थ्रू लिया था, और एक जो आदित्य बिरला फाइनेंस है सर, वो मैंने लिया था फोन पे के थ्रू, उसका मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और एक मैंने जो मोबिक्विक एप्लीकेशन है सर, उसको मैंने लोन लिया है, तो वो एप बहुत अच्छा है, उसमें मेरे को कभी दिक्कत नहीं लगा सर। बाकी ये सब नहीं है, मतलब जो 5 लाख का लोन बताया ना सर, जो गूगल पे वाला है और फोन पे वाला है, वो सिक्योर है, उसका मेरे को कंफर्म करता है। थोड़ा होली वाला और इसके लिए मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा था, अगर ये लेकिन छोटा मोटा है, मेरे 5,000 किस्त है, 5 महीने के लिए है सर, ज्यादा फिर टाइम नहीं है उसका। तो मैं अभी उसका सोच रहा हूँ कि पे ही कर दी, मतलब इससे मुझे आपकी कॉल हूँ, क्योंकि ये सब ठीक नहीं है, जरूरत था तो ले तो लिया, लेकिन अभी दोबारा कभी नहीं लगे। ये बात जरूर बताऊंगा, अगर कोई दिक्कत हो गया कुछ हो गया तो आपसे जरूर हम कॉन्टेक्ट कराएंगे, उसका हम बताएंगे कि ऐसे ऐसे चीज है, करना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग सर अभी इस चीज में फंस जाते हैं। हम भी करें तो कहीं ना कहीं से पैसा आ जाए, सोचता सब ठीक हो गया सर, आपसे बात करने के बाद कोई परेशानी नहीं है सर। नहीं, आप कोई दिक्कत नहीं होगा, सब चीज़ आपका डिलीट हो गया है, अब कोई फ्यूचर में आपको दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा, सब चीज़ हो गया आपका काम। ना ना, अब दोबारा हम गलती करेंगे सब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एप्लीकेशन खोल दिया है, अगर दोबारा करेंगे तो बात वही हो जाएगी। सही बात है, सही बात है। ये तो है नहीं, अभी तो आपने सब कुछ कर दिया है, लेकिन अगर दोबारा कुछ करेंगे लाड़ी मारना है। सही बात है, सही बात है। क्रेडिट भी वाला है, अगर वो कॉल करूंगा सर, कह रहा सर्टिफिकेट जरूर ले लेगा, अगर क्या है क्या कॉल करके बोलेंगे हम नहीं देंगे, तो मैं यही बोलूंगा सर, मेरे पास काफी कॉल आ रहे हैं और आपका नाम लेके हमें ये फंसाया जा रहा है, ये बोलूंगा। हमें क्या बोलेगा, यही देखूंगा। बहुत सारा ऐसे लोन लेता है, लेकिन सर्टिफिकेट जब तक नहीं लेगा,
क्या भरोसे पर आ जाएगा कि क्या होगा। जैसे आपके वीडियोस में हम देखते हैं कि आज का एक वीडियो आपने डाला उसका रुपया है उसका 65,000 से 63,000 बना दिया वो बोल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका एक वीडियो देख रहा था तो उसमें बोला कि 2500 का आप पता है उसने 65,000 बना दिया है उसके बाद। इसीलिए जो मेरे पास जितना भी अभी है तो उसको मैं अपने मोबाइल में रखूँगा जरूर सर, क्योंकि क्लियर होने के बाद भी। लेकिन वो तो सर जैसे क्रेडिट स्कोर महीने में अगर अपडेट होता है अगर पैसा फिर हो जाता है तो उसमें लोन क्लोज अकाउंट दिखा देता है जिसका भी मैंने चार्ज कर लोन अकाउंट क्लोज हो चुका है। तो मैं सोचा इसको भी अगर पे कर दूंगा तो 1-2 महीने में जब भी वो क्रेडिट स्कोर अपडेट होगा तो उसमें वो बाद में वो कर देगा कि ये अकाउंट क्लोज हो चुका है। लेकिन जो क्रेडिट भी वाला है ना सर वो दो पार्ट में पैसा मतलब आया तो पैसा एक साथ में है लेकिन उसका दो पार्ट अलग अलग है। कोई भी दिक्कत होगा तो मेरे पास आप मैसेज कीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए कुछ भी है डाटा वाटा का जो भी है आप मैसेज कीजिएगा मेरे पास, आपका हो जाएगा काम। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। मेरा तो सर ऐसे कोई केसेस नहीं है, हमारा पेमेंट भी अच्छा है, सब भी अच्छा है। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं पे ना कर पाऊँ ऐसे तो कभी होगा नहीं कि मैं पे नहीं कर पाऊँगा। मेरे पास लोन है इसका तो पेमेंट मैं पूरा कर दूंगा, दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे फ्रॉड वाला है इसलिए हम थोड़ा डिस्टर्ब हो गए इस बात हमारे लिए, बाकी पैसा 13,000 20,000 उसको पे करना और दोस्त भी मांग के पे कर सकता हूँ। आपने जो बोल दिया हो गया है रिचार्ज कोई फोन भी नहीं आया। जैसे फोन अभी जो फोन आते हैं सर वो किस चीज के, अभी जैसे मॉडिफिकेशन है उसके जो फोन आते हैं वो तो पता चल जाता है जैसे उसको मैं रिसीव भी कर लेता हूँ तो उसमें यही जैसे आप अपना अकाउंट बैलेंस रखो जो भी ईएमआई है सर मेरा 5 तारीख से पड़ता है तो मैं उसको मतलब जैसे मेरा पे कल पे आएगा तो मैं कल भी पे कर दूंगा, मैं उसको रखूंगा नहीं कि 5 तारीख तक वेट करता हूँ। क्रेडिट भी क्या है ये सर मेरा 19 तारीख को पड़ता है तो मैं 19 तक का वेट नहीं करता हूँ, मेरा जितना भी लोन का पैसा है सर वो मुझे पे आते ही मैं पे कर देता हूँ ताकि पूरा महीना मेरे को टेंशन ना रहे कि जैसे कोई मेरा दूसरा काम आ गया कोई नहीं बाउंस हो गया ऐसा कोई मतलब नहीं है, मेरे को टेंशन नहीं है। थोड़ा डिस्कस था सर फ्रॉड वाला सर बिल्कुल, यदि कुछ भी ऐसा कुछ बात रहेगा तो मेरे पास आप मैसेज कर दीजिएगा। बाकी इनसे तो कोई आपको दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमारे तरफ से जो भी था वो सारा चीज काम हो चुका है, अब कोई भी तकलीफ वाली कोई बात नहीं है। ठीक, ओके सर, बिल्कुल 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 बिल्कुल। मेरा नंबर, मेरा इंस्टाग्राम सब चीज़ यूट्यूब है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ठीक चलिए दोस्तों, बात विचार हो गया। वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, आधा अधूरा वीडियो मत देखिए, ठीक है। आधा अधूरा यदि वीडियो देखिएगा कुछ समझ भी नहीं आएगा, पूरा कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए भाई,
हाँ भाई बोलिए, बताइए। हाँ हेलो, भाई बोलिए। मैं वो का पूछना था ना कि जैसे कि डेटा सब रिमूव करना होगा तो कैसे किया जाए, क्योंकि लोन तो दे रहा है हमको ये, लेकिन वही कॉन्टेक्ट वगैरह से थोड़ा सा है, दो कौन सा एप्लीकेशन है? तीन एप्लीकेशन है उसमें अच्छा, फ्रॉड मतलब वाला ना? डेटाबेस। हाँ, हाँ, तो वहीं आपसे डिटेल मांगे, पैन कार्ड, आधार कार्ड, स्टेट मोबाइल नंबर। देखिए, जो जो आप उनको डिटेल दीजिएगा वो डिटेल हमको लगेगा, ठीक है? और सबसे मेन ज़रूरी होता है रजिस्टर नंबर, समझ गए ना? रजिस्टर नंबर और ये पैन कार्ड, आधार कार्ड इसलिए लगता है ताकि आपके डाटा को मिलाने के लिए, हाँ, जो अच्छा डेटा आपका लेता है ना, उसको मिलाने के लिए ये मांगा जाता है। बाकी इसका काम नहीं होता है, मेन काम होता है रजिस्टर मोबाइल नंबर का। वो चीज़ हो जाने के बाद आपका 1 घंटे में डाटा रिमूव हो जाएगा। मैंने वो पूछना था, जैसे कॉन्टैक्ट लिस्ट है जो मेरा अभी, अगर उसको एडिट करके फिर से ट्राई किया जाए तो क्या होगा, देखिए, ट्राई या कॉल कीजिए। डिटेल भी उसके, कॉल डिटेल भी उसके पास रहता है, कॉल डिटेल भी रहता है, गैलरी तो बिल्कुल, नहीं रहता मतलब। गैलरी भी किसी किसी का जा रहा है, किसी किसी ज़्यादातर नहीं जा रहा है गैलरी, वही 5-10%। ठीक है, ठीक। चलिए दोस्तों, बात विचार हो गया। वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट देखिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आधा अधूरा वीडियो मत देखिएगा। यदि आधा अधूरा वीडियो देखिए कुछ समझ भी नहीं आएगा, पूरा कंप्लीट देखिए। यदि कोई भी फ्रॉड एप्लीकेशन में फंसे हुए हैं, आपका 100% डेटा क्लियर हो जाएगा। कांटेक्ट कीजिए, इंस्टाग्राम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में, नंबर वंबर सब चीज़ पड़ा है, कांटेक्ट कीजिए, आपका 100% हो जाएगा भाई। हाँ बोलिए, बताइए। हाँ हेलो हाँ बोलिए, बताइए, कॉल किए हेलो थे। हाँ हाँ बोलिए, आवाज़ आ भाई, रही है। वो सवेरे से कॉल आ रहा है, वो क्या वो फ्रॉड का कॉल आ रहा है, वो पेमेंट करो, फोटो से भी भेज देता हूँ ऐसा करके, तो तो वो कॉल मेन नंबर अभी पर क्या आ रहा है करूँ कि सर। कांटेक्ट लिस्ट पर आ रहा है? नहीं, वो इंटरनेट नंबर है उसका, वो नहीं, मतलब वो कि जो जो कॉल उसके तरफ से नॉर्मल। आ रहा है वो मेन नंबर हाँ पर आ रहा है या किसी और के नंबर पर आ रहा है? नहीं, वो जो मैं आपको भेजा था नंबर वही है। अच्छा, मेन नंबर पर ना। हाँ, मेन नंबर पे आ रहा है। अच्छा, आज से अरे कॉल तो मैं, चालू है कि कल से? कब से कॉल चालू हुआ है? नहीं आज सवेरे से। नहीं, अच्छा, ठीक है, हम उसका दिखवा लेते हैं, आपको हम बताते हैं। बाकी और कुछ नहीं ना, मतलब हुआ कांटेक्ट पर सब बस चीज़? वही, नहीं बस, नहीं, बस वही कॉल आ रहा है, मैसेज पेमेंट करो। व्हाट्सएप मैं पर? उसको बोला भी, नहीं, हाँ नहीं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ रहा है और कॉल भी आ रहा है कंटिन्यू। मैंने उसको बोला भी, भाई आपको पेमेंट चाहिए तो मैं भिजवा देता हूँ, पेमेंट के लिए क्यों इतनी दिक्कत करना, कल का पेमेंट है ना 30th का, आपने बोला ना 30th को मैं पे कर देता हूँ आपका कितना है। वो बोल रहा है ऐसा नहीं रहे छुटिया, तेरे को क्या पेमेंट कल नहीं करना, अभी करना है, वरना पूरा फोटो सेंड कर दूंगा, पूरा फिल्म बना के भेज दूंगा, ऐसा ऐसा बोल रहा है। मैं उसको भी बोला भाई 3,800 के 38,000 के लिए इतनी क्यों दिक्कत कर रहा है, तेरा पेमेंट चाहिए 30,000 इधर, एक दिन वेट कर ले, कल का डेट बोला है ना, कल भेज देता हूँ तेरे को पेमेंट। नहीं, पेमेंट मुझे अभी चाहिए, वरना पूरा तेरा इमेजेस जैसे भी लिक आउट कर देता हूँ, ऐसा करके बोल रहा है। नहीं देखिए, बस वही आपको बात है, बता समझ देना रहा है। चाहता हूँ कि रिपेमेंट कीजिएगा तो और हाँ फंस जाएगा। एप्लीकेशन मोबाइल में इंस्टॉल नहीं है ना? नहीं, कोई नहीं है वो, तब ठीक है, हम दिखवा लेते हैं आपका, ठीक है, हम चेक करवा लेते हैं, उसके बाद आपको हम बता देते हैं, ठीक है। ठीक है, बाकी बता देंगे रिप्लाई क्या उप्लाई कुछ। मत दीजिए, कॉल वॉल उठाइए, मैं उसको ब्लॉक कर दीजिए, आता है तो ट्रू कॉलर इंस्टॉल कर लीजिए। अच्छा, हाँ, नहीं, वही वो बस वो क्या वो इंटरनेट कॉल ही आ रहा है। कब तक आया कॉल? अभी भी आ रहा है क्या? हाँ सवेरे से आ रहा है, सवेरे लगातार आ रहा से है। कितना, मतलब अभी तक? हाँ, अभी तक आ रहा है? 7-8 कॉल तो आ गया। अच्छा, तो ठीक हाँ है, ट्रू कॉलर इंस्टॉल कर लीजिए, ऑटोमेटिक ब्लॉक करेगा वो नंबर, बाकी हम चेक कर कर आपको बता देते हैं, ठीक है? ठीक है भाई, ठीक ओके है, ना, ओके ओके, ठीक थोड़ा देख के बता दीजिए। ठीक है, ठीक, ओके ठीक। चलिए दोस्तों, बात विचार हो गया। यस, वीडियो को कंप्लीट देखा कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? यदि चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट देखिए कीजिए, यदि आधा अधूरा वीडियो देखिएगा कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको बता देना चाहता हूँ। और फ्रॉड एप्लीकेशन से बचिए, फ्रॉड एप्लीकेशन का बिल्कुल भी आपको रिपेमेंट नहीं करना है। कितना भी लोग हैं भाई, रिपेमेंट कर देते हैं,
इसीलिए मैं हर एक वीडियो में यही चीज़ बोलते रहता हूँ कि फ्रॉड एप्लीकेशन का रिपेमेंट नहीं करना है। यदि फ्रॉड एप्लीकेशन का रिपेमेंट कीजिएगा तो आपको ब्लैकमेल और हरासमेंट ऐसा सारा चीज़ करेगा, समझ गए। इसीलिए 1 रुपये फ्रॉड एप्लीकेशन का रिपेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है भाई, आपको बता देना चाहता हूँ। कोई भी एप्लीकेशन है, कोई भी फ्रॉड एप्लीकेशन है, आपको रिपेमेंट नहीं करना है। यदि आप लोग रिमूव कराना चाहते हैं तो हमसे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट गैलरी जो भी वो लोग लिया है सब चीज़ रिमूव हो जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगा। बार बार रिपेमेंट कीजिएगा, बार बार आपको हरासमेंट तंग ये सब ब्लैकमेलिंग वो लोग करता रहेगा। जितना बार रिपेमेंट कीजिएगा उतना ही आपको ब्लैकमेल और हरासमेंट करेगा, इसीलिए आपको रिपेमेंट नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। कोई भी आप फ्रॉड एप्लीकेशन से लिए हैं आपको रिपेमेंट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है भाई। चलिए भाई सर, मैंने आपका वीडियो देखा, चलिए देखते हैं क्या बोलते हैं भाई, क्या फ्रॉड एप्लीकेशन है, फंसे होंगे तो शायद इनका भी हेल्प होगा, समझ गया ना। 1 रुपये आपको रिपेमेंट नहीं करना है भाई, आपको बता देना चाहता हूँ। अभी तक रिपेमेंट करते आ रहे हैं, आपको बहुत तकलीफ़ यहाँ पर होगा, बता देना चाहता हूँ। रिपेमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है। जितना भी लोग हैं मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि रिपेमेंट करते करते आप ये हो जाइएगा वो लोग पैसा वो लोग मांगते रहेगा, समझ गए ना। वो पैसा आपसे मांगता रहेगा, वो नहीं बोलेगा कि पैसा मत दो भाई, समझ गए। फिंगर एप्लीकेशन डाउनलोड किया था, चलिए कॉल करते हैं। कंप्लीट देखिए वीडियो को, वीडियो कंप्लीट देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ भाई बोलिए, बताइए सर। ये से बता दो, मैंने एक बार फिंगर लोन जो ऐप है ना सर, लोन वाली। हाँ ये फ्रॉड एप्लीकेशन है सर, उससे क्या उसमें वो डाटा डाल दिया था। तो उन्होंने क्या किया, मेरा डाटा उस पे अप्रूव करके उसमें 87 8,700 रुपये सर उसने लिमिट डाल दी, और मेरे अकाउंट में मतलब 2800 और 2400 दो पैसे डाल दिए। तो रिपेमेंट नहीं ना किया इनका? नहीं, रिपेमेंट नहीं किया मैंने सर। रिपेमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है, वही है कि हम लोग डाटा रिमूव करवाते हैं, ठीक है। जी सर। मेरा वीडियो देखा होगा तो वीडियो में हमेशा हम जिक्र करते हैं कि फ्रॉड एप्लीकेशन का डेटा रिमूव कराते हैं, और डेटा रिमूव हो जाने के बाद कोई कॉल मैसेज नहीं आएगा। डेटा रिमूव का चार्ज लगता है 2450 रुपये, वीडियो देखे होंगे तो। अच्छा जी। तो सर वो मैं पे कर दूंगा आपको। तो मेरे पास डिटेल आप भेज दीजिए, पैन कार्ड हो गया और रजिस्टर मोबाइल नंबर लगेगा, ठीक है। रजिस्टर मतलब पैन कार्ड में जो रजिस्टर मोबाइल? नहीं, जो रजिस्टर किए थे उस एप्लीकेशन में जो रजिस्टर किए थे वो नंबर। जी। अब बाकी हम UPI आईडी आप पर मेंशन कर दिए, उसी पर पेमेंट कर UTR नंबर आप सेंड कर दीजिएगा। जी सर। आपका हम 1 घंटे में डाटा क्लियर करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे पेमेंट करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, रिपेमेंट कीजिएगा दोबारा आपके अकाउंट में पैसा डालकर फिर से ब्लैकमेल करेगा। वही कह रहा था सर, इसीलिए मैंने देखा था आपका वीडियो। बिल्कुल बिल्कुल, हो जाएगा आपका काम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ठीक है सर। हाँ तो डिटेल मेरे पास भेज दीजिए, हम आपका काम करवा देते हैं। ओके सर। ठीक है। चलिए दोस्तों, पूरा आप लोग वीडियो देखे तो आपको समझ में आ गया होगा, पूरा कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारे लोग हैं भाई वीडियो नहीं देखते कम्प्लीटली, तो आधा अधूरा वीडियो देखिएगा तो कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। तो यदि आप लोग रिमूव कराना चाहते हैं तो हमसे आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपका 100% हो जाएगा। फिंगर लोन हो, प्रोम्पट फंड हो, बहुत सारा फ्रॉड एप्लीकेशन चलता है, आईफोन में चलता है, प्ले स्टोर पर चलता है, तो कोई भी आप फ्रॉड एप्लीकेशन में फंसे हुए हैं हमसे आप लोग कॉन्टेक्ट कीजिए, आपका 100% डेटा क्लियर हो जाएगा। रिपेमेंट आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रिपेमेंट कीजिएगा तब पर भी आपको ब्लैकमेल करेगा। आपको जीता जागता उदाहरण मेरा कोई भी आप वीडियो देख लीजिए, मेरा आप कोई भी वीडियो देख लीजिए, हर एक वीडियो में लोग यही ग्रसित आते हैं कि भाई हमने रिपेमेंट किया तब पर भी हमको ब्लैकमेल कर रहा है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको बिल्कुल भी रिपेमेंट नहीं करना है। रिपेमेंट कीजिएगा तो क्या मिलेगा भाई, फिर से आपको ब्लैकमेल और हरासमेंट करेगा। कोई ये नहीं है कि भाई रिपेमेंट कर दीजिएगा तो लोग शांत बैठ जाएगा, होता है ना कि रिपेमेंट कर देने के बाद भाई शांत बैठ जाता है। तो रिपेमेंट जितना बार कीजिएगा उतना ही आपको ब्लैकमेल और हरासमेंट वो लोग करेगा ही करेगा। इसीलिए आपको 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है, इग्नोर कीजिए। और मेरे पास आइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन है मेरे इंस्टा अकाउंट का, बात विचार करते हैं, आपका डाटा क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली यहाँ पर बात नहीं है। तो जो जो डिटेल मांगे ये डिटेल लगेगा, आपका 100% क्लियर हो जाएगा।
समझ गए हैं। रिपेमेंट मत कीजिए, लिंक पर मत कीजिए, नई एप्लीकेशन से कीजिए, मत सोचिए एप्लीकेशन से किए हैं, रिपेमेंट ही नहीं करना आपको, समझ गए ना मेरी बात, ये है।